हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स सो टुडे इज माय टॉपिक इज रिलेटेड टू हाउ टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि uh, जो स्टार्टिंग स्टेज में रिक्वायर होता है वो होता है लिसनिंग देन स्पीकिंग तो मैंने उसमें टॉपिक में आपको सब कुछ बताया था कि किस तरह से आप लिसनिंग पे फोकस करें अभी देन आ, मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ स्पीकिंग के ऊपर क्योंकि स्पीकिंग एक ऐसी रिक्वायर्ड चीज़ है जो कि बचपन से ही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अब आप उससे हम किस तरह से बच्चे के अंदर डेवलप करें तो स्टार्टिंग में ही जब बच्चा जब कुछ मंथ का होता है तो धीरे धीरे अपने लिप मूव करने लगता है जैसे वो बड़ों को देखता है तो उसी की तरह से उसके लिप्स वो मूव करने लगता है बोलने की कोशिश करने लगता है तो धीरे धीरे जैसे घर के सभी लोग उससे बुलवाते हैं तो धीरे धीरे वो बाबा मम्मा पापा ये सब स्पीक करने लगता है तो ये चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते जब वो बच्चा टू ईयर का आता है तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी बोलने लगते हैं कुछ बच्चों को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलते हैं कुछ वर्ड्स बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं कुछ इस तरह का होता है कि बच्चे सबके सामने नहीं बोलते हैं बट मम्मा पापा से वो सारी बातें करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बच्चों में ये देखी जाती है तो ये जैसा पेरेंट्स मुझे बताते थे कि बच्चा मेरा औरों के सामने नहीं बोलता है घर में सब कुछ बोलता है बट ऐसा होता है कि जब बच्चे जब बच्चों के साथ मिलते हैं स्कूल्स में जाते हैं या उनके सेम एज के बच्चों के साथ जब वो मिक्स होते हैं तो बच्चे एक दूसरे को देखकर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं वो बोलने लगते हैं एक दूसरे से जो भी उनके रिलेटेड वर्ड्स होते हैं तो इसके लिए सबसे मेरा सजेशन ये है कि आप बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए उससे फोर्स मत कीजिए एक ही क्वेश्चंस को पेरेंट्स बार बार बच्चों से पुटअप करते हैं सभी के सामने जैसे व्हाट इज़ योर नेम तो कुछ क्वेश्चंस ऐसा होते हैं मतलब बच्चे सुनकर उस चीज़ को बार बार सोचते हैं कि एक सेम क्वेश्चंस को मैं हर बार क्यों सभी के सामने रिप्लाई करूँ तो बच्चे उससे बोर होने लगते हैं और वो उस चीज़ को फोर्सफुली की गई चीज़ों को वो अवॉइड करने लगते हैं तो इन चीज़ों को ना करें आप कोई भी सेम क्वेश्चन को आप बार बार बच्चे से पुटअप ना कीजिए और उसे फ्री छोड़ दीजिए किंग एक वो प्रोसेस होती है कि वो नॉर्मल है बच्चा जो सुन रहा है वो स्पीक करने लगता है ओब्वियसली तो इन सारी चीज़ों में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है तो बच्चा वही स्पीक करने लगता है जो वो चारों तरफ से सुना सुन रहा होता है जो वही लैंग्वेज उसकी डेवलप होने लगती है तो इसके लिए ऑलमोस्ट देखा जाता है कि पेरेंट्स बच्चों के हैंड्स में आजकल ज़्यादातर मोबाइल दिखाई देते हैं तो मोबाइल्स में बच्चे राइम्स सुन रहे होते हैं या जो भी कुछ भी वीडियोस देख रहे होते हैं तो उससे उसके थ्रू उनकी वर्बल स्किल्स डेवलप हो रही होती है तो वो काफ़ी चीज़ें बच्चे मोबाइल्स के थ्रू सीख जाते हैं वीडियोज़ के थ्रू तो ये बट पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि वो जो भी वीडियोज़ बच्चों को शो कर रहे हैं तो उसका फोनिक्स किस तरह का है उसकी प्रोनाउंशिएशन प्रॉपर है या नहीं है क्योंकि बच्चों का जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी बच्चे एक बार सीख लेते हैं तो उसको इरेज करके दोबारा से कुछ भी सही उसको सिखा पाना थोड़ा टिपिकल हो पाता है तो आप ये ध्यान रखिए जो भी बच्चे के पास एक फर्स्ट टाइम में लर्निंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो बिल्कुल राइट right वे में हो तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जो भी वीडियोज़ आप ओपन करके दे रहे हैं बच्चों को तो उसकी फ़ोनिक्स जो है उसके प्रोनाउंशिएशन है वो प्रॉपर होना चाहिए अब किस तरह से आप मतलब स्टार्टिंग तो में क्या कैसे डेवलप करें बच्चे की फ़ोनिक्स पे आपको फोकस करना होता है तो फोनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पर तो ए फॉर एप्पल का जो आपको लाइक ए ए बी बा सी का तो ये सारा आगे मैं आपका मेरा जो वीडियोज़ बनाऊँगी नेक्स्ट टू तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फ़ोनिक्स किस तरह से आपको डेवलप करना होता है तो यहाँ से मतलब आपको मैं इसका थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपको जब भी दें बच्चे को तो वो स्टार्टिंग में बिल्कुल करेक्ट हो साथ में बच्चों को मतलब अपने बच बरोबर के बच्चों के साथ उनको खेलने दें उनको उसके साथ टाइम स्पेंड करने दें तो इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स उनके सीखेंगे डेली की उन्हें फाइव वर्ड्स की आप दे कि आप न्यू फाइव वर्ड्स उन्होंने कुछ भी आज सीखे हैं तो बच्चों मतलब आप एक अंताक्षरी जैसा भी खेल सकते हैं उनकी वॉकेबलरी को इनक्रीज करने के लिए क्योंकि बेसिकली होता है कि बच्चे एक वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सीखे ना तो वही स्पीकिंग का होता है उनका और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि चाइल्ड जो स्टेज होती है तो वहाँ पे जो भी उनके साथ सिचुएशंस जो भी होती हैं घटनाएं, जो भी होती हैं तो उनका उनके माइंड पर बहुत गहरा असर होता है तो सोशल और इमोशनल जो उनका डेवलपमेंट होता है वो यहीं से स्टार्टिंग से ही होता है तो इन बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि कुछ भी इस तरह की सिचुएशंस बच्चों के लाइफ में अगर हो रही है तो पेरेंट्स उसका ध्यान रखें कि क्या अपन उसका बच्चे को उससे दूर रख सकें तो क्योंकि आगे ही लाइफ में उन पर इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट आता है पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से बच्चे को दूर रखने की कोशिश करें क्योंकि पूरा उनका डेवलपमेंट तो इस चाइल्ड से स्टार्ट होता है यहीं से ही फिर उनके अंदर कॉपरेशन शेयरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सेल्फ़ अवेयरनेस है अंडरस्टैंडिंग है वो सब डेवलप होती है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है या नेग, उनके लिए कुछ भी नेगेटिव आप सबके सामने ना बोले क्योंकि ये बहुत पेरेंट्स की देखने में आता है कि बच्चों के लिए बहुत इजीली स्पीक करते हैं कि बच्चा गुस्सा करता है मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की यही कंप्लेंट आती थी कि बच्चे गुस्सा करते हैं तो ये बात को वो सबके सामने बोलते हैं या बार बार ये बोलते हैं कि बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है तो इस बात का इफेक्ट बच्चे पे बहुत गहरा पड़ता है ऐसा नहीं है कि हमारे ऐसा बोलने से बच्चा वो करना बंद कर देता है बल्कि ये देखने में आता है कि जितना भी आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो बच्चों का ये चीज़ें बड़ी है ना कि कम हुई हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप गौर करें कि बच्चों के लिए नेगेटिव सेंटेंस स्पीक ना करें ये ना बोलें कि बच्चा गुस्सा करता है बच्चा ज़िद्दी हो रहा है या बच्चा अपना पढ़ाई नहीं करता है अपना होमवर्क डन नहीं करता है तो ये ना वाले शब्दों को ना बोलकर हम उसे मोटिवेट करें उसे सपोर्ट करें देखें कि क्या रीज़न है क्यों नहीं कर रहा है वो ऐसा अगर वो नहीं बोल रहा है सबके सामने तो फोर्सफुली उसे ज़बरदस्ती ना बुलवाएं उसे थोड़ा सपोर्ट करें अगर बच्चा शायद नेचर का है तो आप उसके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व होइए उसे स्टोरी सुनाइए और स्टोरी जब उसे खुद ही उसमें पार्टिसिपेट करें और आप भी उसके साथ पार्टिसिपेट करें साथ में राइम्स जो होती हैं तो बच्चों को बोलें कि आप रामम्स स्पीक कीजिए खुद आप उस पर एज अ मतलब परफॉर्म कीजिए एक्शंस के थ्रू तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए और फिर धीरे धीरे मैं स्पीकिंग से रिलेटेड जो भी होता है बच्चों का कोर्स से रिलेटेड वो मैं आगे आप वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए आज के मेरे इस वीडियो में मैं बेसिकली स्पीकिंग पर ही मेरा फोकस था कि स्पीकिंग आप किस तरह से डेवलप करें और जो जो चीज़ें मैंने मतलब आपको बताई हैं कि जो आप ना करें बच्चों के साथ तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच ओम शांति हैव हाँ अ ग्रेट डे